सो फाइनली गाइस आज हम लोग फिर से एक प्रैंक करने वाले हैं। रिद्धि के घर का दरवाजा फिर से खटखटा कर भागने वाले हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक पर बहुत ही कम समय में फेमस होने वाले मिस्टर फेजू के बारे में। दोस्तों आज जो मिस्टर फेजू इतने सक्सेसफुल है वो तो सबको दिखता है, मगर उसके पीछे की जिंदगी उन्होंने कैसे गुजारी ये कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिस्टर फेजू और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना समय बर्बाद किए। मिस्टर फेजू का जन्म 5 अक्टूबर 1994 को धारावाही मुंबई में हुआ था और अभी ये 26 साल के हो चुके हैं। इनकी फैमिली में इनके मम्मी पापा दादी और दो बहनें और एक बड़ा भाई है। दोस्तों मिस्टर फेजू का पूरा नाम शेख मोहम्मद मुदस्सर फैजल है और लोग इन्हें प्यार से मिस्टर फेजू कहकर बुलाते हैं। मिस्टर फेजू ने अपनी स्कूलिंग IES न्यू इंग्लिश स्कूल से कंप्लीट की है और इसके बाद इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रिजवी कॉलेज ऑफ मुंबई से कंप्लीट की है। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इन्होंने इसे अपनी पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया और ग्रेजुएशन के दौरान ही इनकी मुलाकात हसनैन और अदनान से हुई। ये साथ में मिलकर बाइक स्टंट किया करते थे और इनकी टीम का नाम टीम 07 है। और अदनान ने ही मिस्टर फेजू को टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के लिए बोला था और आज मिस्टर फेजू इंडिया में इतने फेमस हो चुके हैं। मिस्टर फेजू का सपना है कि वो एक इंटरनेशनल स्टार बने। दोस्तों इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि मिस्टर फेजू पहले बांद्रा में ही कपड़े की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे और टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते थे। मिस्टर फेजू को टिकटॉक पर वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और धीरे धीरे मिस्टर फेजू को पॉपुलैरिटी मिलती गई और वो टिकटॉक के पहले ऐसे स्टार बन गए थे जिनके 20 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे। टिकटॉक पर मिस्टर फेजू के 22 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके थे कि तभी इंडिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया और मिस्टर फेजू को भी दूसरे क्रिएटर्स की तरह बहुत बुरा लगा। फिर मिस्टर फेजू ने कुछ दिनों तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब इंस्टाग्राम ने अपना रील्स फीचर लॉन्च किया तब टिकटॉक के सारे क्रिएटर इंस्टाग्राम पर आ गए थे और मिस्टर फेजू भी दूसरे क्रिएटर्स की तरह इंस्टाग्राम पर आ गए और रील्स बनाने लगे और इंस्टाग्राम पर भी लोगों ने मिस्टर फेजू को बहुत प्यार दिया और आज मिस्टर फेजू के इंस्टाग्राम पर 25 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों मिस्टर फेजू कई एल्बम सॉन्ग्स में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों मिस्टर फेजू और उनकी टीम का एक सॉन्ग आया था नजर ना लग जाए, इस सॉन्ग को यूट्यूब पर 75 मिलियन बार से भी देखा जा चुका है। मिस्टर फेजू की फैन फॉलोइंग इतनी है कि आज बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये थी आपके फेवरेट सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फेजू की पूरी लाइफ स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।